द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। राम के नाम पर सियासत करने वाले, मंदिर और मस्जिद के नाम पर सियासत करने वालों को मंदिर की तरफ से भी बड़ा तमाचा मिला है और उन धार्मिक तीर्थ स्थलों की तरफ से भी तमाचा मिला है जहां पर वो अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे और जहां के लोगों के बारे में जो मेंटेलिटी बना रखी गई थी, अब उन लोगों ने भी ये समझना शुरू कर दिया है कि नहीं, इन लोगों ने तो सिर्फ ठगने का काम किया है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। दरअसल आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में कैसे अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली और उसके बाद चित्रकूट में भी हार मिली और फिर आप चले आइए उपचुनाव में। उपचुनाव उत्तराखंड की दो सीटों में हुए, मंगलौर और बद्रीनाथ, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो आप समझिए, अयोध्या हारे, चित्रकूट हारे और अब बद्रीनाथ भी हार गए। ये तीनों ऐसी जगह हैं जिनको देवभूमि कहा जा सकता है। अयोध्या में तो एक महीने तक पूरा मजमा लगा रखा था, सारी मेन स्ट्रीम मीडिया अयोध्या में आकर जम गई थी और रोजाना यहाँ से सोज हो रहे थे। यानी ये महिमा मंडित करने की कोशिश की जा रही है कि एक चमत्कार किया गया है, एक ऐसा अद्भुत काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है कि जो कोई नहीं कर पाया है। और उसी अयोध्या में जिस तरीके से काम हुआ और जिस तरीके से अयोध्या वासियों को परेशान किया गया, उसका नतीजा चुनाव के बाद सामने आ गया। आपने साफ तौर पर देखा कैसे भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या में हार मिली। हार क्यों मिली? क्योंकि वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं किया, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से गरीबों के घर गिराए गए, गरीबों की दुकानें, उनके आशियाने को उजाड़ दिया गया सिर्फ और सिर्फ महिमा मंडन करने के लिए, बड़ा बड़ा वहाँ पर जो है बड़ी बड़ी चीज़ें लगाई गई, किस तरीके की चीज़ें हुई वहाँ, वो सब ये दर्शाने के लिए काफ़ी थी। और वहाँ वहाँ की जनता ने अपना मैंडेट दे दिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते। तो अब इनकी जो सियासत करने की जो वो कोशिश रहती है, धर्म के नाम पर सियासत करना, किस तरीके से ये लोगों को बलगराने का काम करते हैं, लोगों को बहकाने का काम करते हैं, वो सब कुछ फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं से भी इन्हें कोई सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब चूंकि उपचुनाव हुए थे, 13 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, उन चुनाव के जब नतीजे सामने आए तो बद्रीनाथ भी हार जाते हैं, मंगलोर में खूब उत्पात मचाते हैं। आप समझिए कि जिस दिन वोटिंग रहती है, वोटिंग के दिन भी गोलीबारी की खबरें सामने आ जाती है, वोटिंग के दिन मुसलमानों को मारने की खबरें सामने आ जाती है। यानी हर एक पैतरा मंगलोर की सीट पर भी अपनाया जाता है, लेकिन वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें हार जाती है, पश्चिम बंगाल की 4 की 4 जो सीटों पर उपचुनाव हुआ, 4 की 4 हार जाती है, जिसमें से 1 सीट तो टीएमसी की थी, बाकी की 3 सीट बीजेपी की थी, वो भी हार जाती है। यानी 4 सीटों पर हार के बाद ये समझ में भारतीय जनता पार्टी को शायद आने लगा है कि पश्चिम बंगाल में भी दाल नहीं गलने वाली है। प्रशांत कनौजिया ने इसी बात को लेकर एक्सपर्ट पोस्ट भी किया कि भाजपा अयोध्या चित्रकूट के बाद अब बद्रीनाथ भी हार गई। यानी ये बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, भगवान भी पसंद नहीं कर रहे हैं ऐसे लोगों को। शंकराचार्य, जो 4 शंकराचार्य थे, उन्होंने जाने से मना कर दिया था कि मंदिर अभी पूरा नहीं बना है, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है, नहीं की जा सकती है। चूँकि चुनाव नज़दीक थे, चुनाव करवाना था, चुनाव इम्पॉर्टेंट था, चुनाव के पहले माहौल बनाना था, तो उस माहौल बनाने को लेकर जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा की गई और उस प्राण प्रतिष्ठा का जो खामियाजा भी भुगतना पड़ा कि अयोध्या में भी भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इन्होंने सोचा था कि मंदिर के नाम पर हम पूरे भारत में एक माहौल बना लेंगे और मोदी जी स्वयं मंचों से उस वक्त कह रहे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लटक जाएगा और राम मंदिर का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, मंदिर बंद हो जाएगा। इस तरीके की बातें मोदी जी स्वयं कह रहे थे। और मंदिर के नाम पर कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर बनवाया, ये प्रत्याशी भी मंचों से कहकर इसका महिमा मंडन कर रहे थे। अमित शाह ने भी मंदिर के बारे में खूब बात की थी, मध्य प्रदेश में भी वो प्रचार करने पहुंचे थे तब भी यही बात कह रहे थे, सबको मध्य प्रदेश जिता दो, सबको अयोध्या के दर्शन कराएंगे, फ्री में दर्शन कराएंगे, इस तरीके की बात अमित शाह बोल रहे थे। तो मंदिर के नाम पर इन्होंने खूब सियासत तो की, लेकिन धीरे धीरे लोगों को ये समझ में आने लगा कि इनकी सियासत सिर्फ और सिर्फ हम अब सीट बचाने की है, इनको हमारी भावनाओं से कोई मतलब नहीं, इनको हमारी आस्था से कोई मतलब नहीं, इनको हमारे धर्म से कोई मतलब नहीं, इनको हमारी संस्कृति से कोई मतलब नहीं, इनको हमारे भगवान से मतलब नहीं। अगर अयोध्या वासी ही खुश नहीं रहेंगे तो ऐसी अयोध्या का क्या मतलब है?
अयोध्या वासियों की खुशी के लिए भगवान राम ने क्या क्या नहीं कर दिया था। क्या भगवान राम चाहेंगे कि अयोध्या को उजाड़ा जाए? क्या भगवान राम चाहेंगे कि अयोध्या वासियों को तितर बितर किया जाए? भगवान राम जो नहीं चाहेंगे, अगर वो चाहने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करके अपना एम पूरा करने की कोशिश में लगेगी, तो उसका परिणाम यही होगा कि अयोध्या भी हारेगी, चित्रकूट भी हारेगी और आने वाले समय में बद्रीनाथ भी हार जाएगी। यहाँ पर उपचुनाव हुए थे तो ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए करारी हार है। करारी हार इसलिए भी है, पहला तो ये हमने बता दिया आपको किस तरीके से हारे, दूसरा इस बात से भी कि ये सत्ता का चुनाव होता है। कहते हैं उपचुनाव सत्ता का चुनाव होता है, जहाँ जिसकी सत्ता रहती है उस हिसाब से उस चुनाव को मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि प्रशासन भी उन्हीं की सुन रहा होता है। ऐसे में उत्तराखंड में दो सीटों पर यानी मंगलौर और बद्रीनाथ, ये दोनों सीटें जहाँ डबल इंजन की सरकार थी उत्तराखंड में, राज्य में भी सरकार, केंद्र में भी सरकार, उसके बावजूद भी मंगलौर और बद्रीनाथ की सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं बचा पाई। ये साफ दर्शाता है कि कितनी बड़ी और कितनी बुरी हार भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी सोचा था कि लोकसभा चुनाव में तो हम झंडे गाड़ देंगे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, और उसके बाद भी जब चुनाव हार गए तो कांग्रेस पार्टी यानी दूसरी राजनीतिक पार्टी का महिमामंडन करना शुरू कर दिया कि 8500 कहाँ गए। अब जब सरकार नहीं बनी, गवर्नमेंट मोदी जी की बन गई यानी NDA की बन गई, तो फिर ये 8500 का मतलब कहाँ से रह जाता है? ये तो घोषणा पत्र था, इसमें कहा गया था जब चुनाव जीतेंगे तो भाई करेंगे, चुनाव नहीं जीते तो नहीं हुआ, लेकिन ये दुष्प्रचार करने की भी कोशिश की जा रही थी। अब देखिए लोग लिख भी रहे हैं, विकास बंसल ने लिखा कि लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद आए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने बता दिया कि भगवान बीजेपी से रुष्ट हो गए। ये कहा जा रहा है कि भगवान अब बीजेपी से बिल्कुल नाराज़ हो गए कि जिस तरीके काम बीजेपी ने किया है वो काम अब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। अब बंगाल की भी खबरें देखिए, ब्रेकिंग, बंगाल में रचा इतिहास, अनुराधा पटेल ने लिखा कि AITC की मधुपूर्णा ठाकुर 25 साल की उम्र में इस देश के इतिहास में सबसे कम उम्र की विधायक बनी। उन्होंने बगदा विधानसभा उपचुनाव में अपने 50 प्लस साल के प्रतिद्वंदियों को भारी अंतर से हराकर जीत हासिल की। ये कैसा स्वागत योग्य बदलाव है, युवा प्रमुख पदों पर आसीन होने वाले हैं। ये दरअसल एक न्यू शुरू हुई है, एक लाइन खींची जा रही है, उस लाइन के आगे बढ़ने की कोशिश है। सत्य सनातन मोदी का परिवार है, जरा आप देखिए इनका रिएक्शन कैसा होगा। बीजेपी उत्तराखंड में ना बद्रीनाथ हारी है ना मंगलौर हारी है। 2022 में कांग्रेस जीती थी बद्रीनाथ, मंगलौर जीता था BSP, कांग्रेस अपना सीट बचाया है, मंगलौर BSP से जीता है, कुछ अंधभक्त बीजेपी की हार बता रहे हैं। अब बताइए जरा, हार तो मानी जाएगी ना साहब, इस तरीके से कह देने से कि हाँ इनकी सीट थी उनकी सीट थी, अरे अगर आपने काम किया होता तो आपको मिलती, आपकी तो सत्ता है, आपकी प्रदेश में सत्ता, आपकी केंद्र में सत्ता, उसके बावजूद भी आपको हार मिली, तो ये तो बीजेपी की बुरी हार है ही है। लेकिन अब क्या करें, बताना पड़ेगा किस तरीके से चीज़ें हुई हैं। देखिए पिंटू लिख रहे हैं, बीजेपी रामेश्वरम रामनाथपुरम में भी हारी है, मुस्लिम लीग के उम्मीदवार ने बुरी तरह हराया, ये कहा जा रहा है। मतलब भारतीय जनता पार्टी की हार किस तरीके से हो रही है। दिव्यांश पाठक लिख रहे हैं, अब हार तो गई लेकिन EVM पर रोते हुए नहीं देख रहा होगा, लेकिन जब बीजेपी वाले जीतते जाते हैं तो छाती पीट कर पोस्ट मत करना कि EVM खराब है। इस तरीके से भी लोग कमेंट करने वाले लोग हैं जो सच को पचा नहीं पा रहे, सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे। तो LIVE TV को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। The Live TV, सच सबसे आगे।